देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिले या ना मिले, इसका फैसला अब देश की संसद करेगी। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के सवाल पर यह फैसला सुनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस पर बहस शुरू हो चुकी है। कोर्ट के फैसले का कुछ लोगों ने स्वागत किया है तो कुछ लोग इस फैसले के विरोध में हैं और नाराज भी चल रहे हैं। वहीं हरिद्वार के संतों ने कोर्ट के फैसले की प्रशंसा की है, जिसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का बयान भी सामने आया है। आइए सुनते हैं महंत रविंद्रपुरी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सेम सेक्स मैरिज हमने पहले भी इस पर विरोध किया था, आज से 6 महीने पहले पूरे उत्तराखंड के जितने भी उद्योग समाज थे, हमारे कुलपति थे, सभी आए थे। मैंने अखाड़े में इसके लिए विरोध किया था कि भाई ये जो कानून है ये कानून नहीं बनना चाहिए। परंतु आज जो दिन है, आज का दिन मैं समझता हूँ बहुत शुभ दिन है, नवरात्रा है, और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया, इसको सुनने से इनकार कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा जो हमारा समाज है हम किस ओर जा रहे हैं, बल्कि ये सेम सेक्स मैरिज है क्या, क्या ये उचित है? हम पशुओं को देखो, पशु भी ऐसा व्यवहार नहीं करता है, तो हम सेम सेक्स मैरिज कैसे करें, मेल मेल से शादी कैसे कर सकता है? अगर यही हालत आगे रही, सभी ने इसी को अपनाया, तो जनरेशन कहाँ से पैदा हो जाएगी? इसलिए मैं कहता हूँ ये उचित नहीं है। हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, भारत के वासी हैं, हमें अपनी परंपराओं को ध्यान में रखना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम देखो बंदरों को देखो, समाज में देखो, क्या ये उचित है? अच्छी बात नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बहुत बधाई आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं, उन्होंने इसको जो है पेंडिंग में डाल दिया, बहुत अच्छी बात है।